के एन ए डी दाऊद के पास से बिल्कुल क्वेश्चन निकाले, टू की पावर एम बराबर होता है 4x के, टू की पावर डब्ल्यू बराबर होता है 8x के, कहने एम इन द टर्म्स ऑफ डब्ल्यू मालूम है, तो मेरे भाई कैसे कर सकते हैं? फिर अगर और से देखोगे टू की पावर एम 4x के बराबर है, टू की पावर डब्ल्यू 8x के बराबर है, मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ 8x 2 into 4x, और 4x अभी तो मैंने बताया था किसके बराबर है, टू की पावर एम, बेसिस से वो पावर एटम हो जाती है टू की पावर 1+m, अब इसका अगर डब्ल्यू 1+m के, अब से तो नहीं पूछा, अब से तो पूछे एम इन द टर्म ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस 1। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद होना चाहिए, मेरी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं कि R1 R2 R3 बराबर होता है RS² के, इसी तरह R1 R2 बराबर होता है SS-C। मेरे भाई एक बड़ा अच्छा सवाल है, एरिया ऑफ सर्कल 49 पाई दिया था सर्कमफेरेंस, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, अगर आर स्क्वायर 49 के बराबर है आर किसके इक्वल हो जाएगा भाई 7, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 14 पाई, और यही आंसर पाई को मैंने सॉल्व करने को नहीं कहा तो बेवकूफ़ी नहीं था इन द टर्म ऑफ पाई। अब देखिए कह रहे वाई क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, चेंज इन एक्स इफ वाई इंक्रीज फ्रॉम 2 to 2.1, यह बड़ा अच्छा कह रहा सवाल। अब यहाँ देखो चेंज किसमें कह रहे हैं, एक्स में या वाई में, एक्स में वाई इंक्रीज, इसका मतलब है डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर एक तरफ है वाई क्यूब के मैक्स, अब मैं इसका जब रूट लूंगा तो भाई ये सूत्र, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो भाई ये पहले पावर नीचे गिरती है वाई क्यूब माइनस वन की पावर हाफ माइनस वन ई माइनस, विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लें तो वाई क्यूब का डेरिवेटिव ये भी आ रहा है मेरे पास डी एक्स अपॉन डी, अब खाली डी एक्स चाहिए तो डी वाई को भी ले जाके मल्टीप्लाई, अब वाई क्या होगा मेरा 2, डी वाई क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस जो कि कितना है 1, अब और से देखिए 1/2 वाई की जगह 2 2 8 8 - 1 7 की पावर 3, हाँ जी वाई 2 है 2 का स्क्वायर, डी वाई मेरा 1, ये कैंसिलेशन हो रही है 3 2 6, 7 माइनस वाई हाफ है नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगा इनटू 1, या ऐसे भी देख लेना कि आंसर इस ऑप्शन में, या चाहे तो 6.1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात जो इसमें समझने वाली थी वो क्या थी, कि y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 था और चेंज इन x बोल रहे थे इफ y इंक्रीज, तो मैंने डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू क्या लिया अगर यहाँ होता चेंज इन y एंड इफ x इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो मैं डेरिवेटिव x के साथ, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने फिर ये मैथ नहीं करता है। So thanks a lot there.